Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग. हम लोग रात को आए थे चंडीगढ़ से, काफी थक गए थे, लेकिन बेस्ट पार्ट वाज हम टाइम पे पहुंच गए थे. हम घर आ गए थे अराउंड 10 बजे आ गए थे ना. सो हम इजीली फंक्शन एंजॉय किए, घूमे फिरे नहीं, फंक्शन एंजॉय किए, खूब एंजॉय किया सत्संग, और टाइम से निकल के हम घर भी आ गए थे. अब नाश्ते में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, और मैं ब्रेड लेके गई थी परसों, और एक साथ इतनी ब्रेड थी घर में, ना कुछ अभी बनाया जा सकता है, ना वो फिनिश होगी और जल्दी खराब होगी. तो इस डर से मुझे बहुत सिंपल और इजी लगता है ये ब्रेड पुलाव सुबह नाश्ते में बनाना. मैंने आज अपना वॉक लिया है, क्योंकि इसमें बनाने का ना मुझे एक अलग ही मजा आता है. तो राई डालू, जीरा डालू, सोच रही हूँ. मसाला दान भी खा लिए, भरना है मुझे. ओह गॉड, चलो जब तक आलू, ये बारीक कटे हुए आलू, नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी कुक हो जाए. यहाँ पे मैंने ब्रेड पुलाव के लिए देखिए बारीक प्याज काट रखे हैं, एक टमाटर, धनिया खूब सारा, आप हरी मिर्च अदरक भी डाल सकते हैं. और ये ब्रेड को मैंने सीजर से कट करती हूँ, नाइफ से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको इजी लगे. धनिया मिर्च सब खत्म है, सिर्फ हल्दी और जीरा है. धनिया, तो मैं धनिया जो है मम्मी बनाती है मेरी. आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि धनिया का रंग इतना चटकदार कैसा है, तो आपको बताऊं ट्रिक. मम्मा क्या करते हैं, मार्च में आता है नया धनिया, तो मम्मा मंगवा लेते हैं, और पहले वो हल्दी पिसवाते हैं चक्की में. जब हल्दी पिस जाती है तो हल्दी के ट्रेसेस रहते हैं, फिर धनिया पिसवाते हैं, और कई बार एक छोटी डाली धनिया हल्दी की भी डाल देते हैं. तो उस वजह से ये देखिए धनिया का रंग है ना इतना चटकदार है हल्दी की वजह से. तो हल्दी पहले पिसवाइए और फिर उसके ऊपर धनिया, तो बहुत अच्छा रंग आ जाएगा. धनिया ज़्यादा लगता है इसलिए मैं होली पे भी यूज होते हैं कलर हैं. नहीं, होली पे नहीं यूज होंगे. होली पे जो कलर्स बनते हैं ना वो जैसे बीटरूट है उससे बनते हैं, फूलों से बनते हैं, गेंदे के फूल से, इन सब चीजों से बनते हैं. खैर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ इतना पता है मुझे ये उससे बनते हैं. अब आपके हिसाब से तो लाल मिर्च का पाउडर रेड कलर का तो होली में यूज कर लो, मर जाएगा आदमी जल जल के. बावड़ा से मजा ही आ जाएगा. बकवास. तो ये धनिया भर लिया है, चलिए मुझे लाल मिर्च, एक सेकेंड में जगह से रखू इसे तुरंत ही. लाल मिर्च में रखती हूँ फ्रिज में, तो मिर्ची भी मेरी मम्मी मंगा के देती है. ये लोग मैसूर के वहां से मम्मा मंगाती है मिर्च. और ये देखिए इस तरीके से जो भी सामान आता है ना उनको धो के पहुंच के पैकेज को रीयूज कर लेते हैं मम्मा लोग. सो ये एक सेकेंड आलू होने में टाइम लगेगा, आज मैंने बारीक बारीक नहीं काटा था. मैं तो फ्रिज का पाउडर जो है ना इसमें रखती हूँ, फ्रिज का पाउडर नहीं, मिर्ची का पाउडर फ्रिज में रखती हूँ, ताकि उसका रंग जो है ना बिल्कुल चटकदार है. नहीं तो अब गर्मी आएगी ना तो रंग उड़ जाता है. और मैं उतना ही निकालती हूँ जितना फटाफट यूज हो और खत्म हो जाए, ताकि दोबारा फ्रेश निकाल ले. ये देखिए, तो मिर्ची का पाउडर भी ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ आता है, 3 किलो आता है साल में, जैन फेब तक आ जाता है, मम्मी भेज देती है. तो मैं मम्मी भी क्या करते हैं उसकी पैकिंग छोटी छोटी कर देते हैं, जैसे इसमें करीब 3 पाव आ गया, तो मम्मी क्या करेगी आधा आधा किलो की पैकिंग या 1-1 किलो की मुझे भेज देगी. मैं उन्हें छोटे छोटे पाउचेज में आधा आधा किलो के पाउचेज में करके फ्रिज में रख देती हूँ. क्यों, जो खुला है उसी से निकालते रहो, बाकी की फ्रेशनेस वैसे ही इंटैक्ट रहती है. ये सील हो गया और इस तरीके से फ्रिज में रख दे. तो ये लग गई मेरी मसालों की टड़ी. एक खाली है मुझे. हाँ मैं ना वैसे राई होता है पर मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि चम्मच जो यूज करते हैं ना मैं बीच में रखना प्रेफर करती हूँ. झर झर के ना ये देखो ऐसे होता है, तो अगर राई या कुछ और भी चम्मच रखेंगे ना तो उसमें हल्दी और सब मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं एक खाली रखती हूँ और राई मैं यहाँ अलग से रख देती हूँ. मुझे इतना यूसेज है नहीं राई का, ये रखूँ अभी साइड में. चलिए
चेक करें हमारे आलू, अभी तो हुए नहीं होंगे।